बड़े शहरों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं और छोटे छोटे गांव के कस्बों में, ग्रामीण इलाकों में भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं। शनिवार बाजार यहां पर लगा हुआ है। देखिए, जब इस तरह का दृश्य मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जो हफ्ते में एक दिन सब्जी और तमाम चीज़ें, गुड़, बच्चों के गहने, सब कुछ इस तरह की दुकानों में, और ये अंधेरा होते ही ये बाजार ख़त्म भी हो जाती है। चाचा, कब से ये दुकान लगाते हैं आप? इधर आइए। कब से लगाते हैं? काफ़ी दिन से लगाते हैं। हर शनिवार शनिवार बुधवार बुधवार शनिवार। तो कैसा देश चल रहा है इस समय, क्या हालचाल है? एक है हालचाल। सरकार का काम कैसा है? एक है सरकार। कौन सरकार? कौन? मोदी वाली सरकार चल रही है। कौन चले? मोदी योगी का काम कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। कुछ मिल रहा है फायदा? हाँ, मिल रहा है फायदा। अनाज मिल रहा है? हाँ, खूब मिल रहा है अनाज। अनाज मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा। हाँ जी, आप क्या करते हैं? रुका यार, हम किसानी। कौन चीज के? गेहूँ। सरकार में गेहूँ बेचते हैं आप? सरकार कहाँ ले पाई हमारे गेहूँ? हम आखिरी में बेची थे 30-32 रुपया किलो, वाले 18-19 रुपया किलो। तो किसान का हालत कैसी रही? सुधार आवा है? सुधार अबे कुछ नहीं आवा है। अब देखो आगे चली के कत्ता सुधार होती। 500 मिलत है? कौन? सरकार की तरफ से 500 मिलत है? 500 रुपया कहा है? 2000 रुपया दे थे तिमाही। हाँ, 4 महीने का। हाँ, तो मिल रहा है। हाँ, बराबर। और बताओ, पूछो। अनाज अनाज तो नहीं मिलता हो? ना, अनाज मिलता है हमको। लोगों अभी ले रहे हो? और का गेहूँ भी 3200 बेच रहे हो, अनाज ले रहे हो? और का जब फेरी मिली रहा है तो का देने रहो लेने रहो। एक बात बताओ, ये सब लोग ले रहे हैं कहाँ अनाज? सब जहिका भैया है तो लेवे करी। आप कितना गेहूँ बेचत हो? बेचत हमारे तो यार 7.5 बीघे जमीन भाई बेचते हैं। और कहाँ बेचते हैं? कितने का गेहूँ बेचते? 40-50-60 जौन बिक जाए। राइट, 60 कुंटल? और का 50-60 कुंटल हो दे जौन भाई साहब बीजे। अरे मंडी की राइट है। अच्छा एक बात बताओ, केजरीवाल के गिरफ्तारी का कुछ जानकारी है? हमका भैया ना जाने हम कि कहो ख्यात हम घास काटी कहो वहाँ दिल्ली में बैठी जाए हम। भैया फिर आवा दे आप चली महीना खाण खाना खुरा दे तो चलो दिल्ली जाए की जरूरत थोड़ी है ओकरे खाती। और जाग ला जरूरत तो फिर कैसे जाए काम चली? 500 रुपया दिहाड़ी दे चलो परी चले हुए सारे घर में बैठ के न्यूज़ देखे। आपको मालूम है? हाँ मालूम है। क्या मालूम? केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो उसको आप क्या मानते हैं? सही है। उनकी पार्टी वाले तो कह रहे गलत है। नहीं सही है, गलत नहीं है, सही है। गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप जानते हैं, चुनावी चंदा? हाँ। ये क्या है? ये नहीं पता मुझे, इसकी जानकारी नहीं है। आपको मालूम है? अच्छा, आप क्या करते हो? अरे हम चक्की चलाते हैं। हाँ? कारखाना। चक्किया, चक्किया। आप क्या करते हैं बेटा? हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 12th है। तुमको मालूम है? नहीं सर। दोनों नहीं मालूम? नहीं, जानकारी मिले। चलिए अब दूसरी तरफ चलता हूँ। कौन जगह है उन्नाव में? बाली थाना। बाली थाना, बाली थाना। यहाँ कौन लोग ज्यादा रहते हैं? हिंदू ज्यादा है सब इस इलाके में। तो आप हमको बताइए, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है कि हम जानना चाह रहे थे कि ये इलाका किन लोगों का ज्यादा है? यादव, पासी, सब पूरी जाते हैं वहीं। चलिए ठीक है, आप हमको ये बताइए कि मैं आया हूँ आज ये जानने के लिए दिल्ली से गांव-गांव, छोटे छोटे कस्बों में, कि ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश का जो आम आदमी वो क्या सोचता है? ये हम लोगों से क्या मतलब? आप ये तो जानते हैं कि वो गिरफ्तार हुए? हाँ, गिरफ्तार हुए ये तो। हाँ, तो आपको क्या लगा कि वो गिरफ्तार सही हुए गलत हुए? अब ये सही गलत तो हम लोग कैसे जाने? सही गलत सही का निर्णय
हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये सुना है कि गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, ये जो उनकी पार्टी के लोग या वो विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि ये सरकार खाली विरोधियों को गिरफ्तार कर रही है और अपने लोगों को नहीं करती है, या जो लोग दूसरे दोषी है वो इनकी तरफ आ जाते नहीं करती, इसको लेके क्या? कुछ नहीं है, जो दोषी है वो दोषी पार्टी कोई हो, जो गलत है उसके संग गलत हो, पार्टी से क्या लेना देना, पक्ष में और विपक्ष में जो गलत करेगा उसको तो कुछ ना कुछ मिलना। आइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। चुनावी चंदा? ये सुना है, लेकिन हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, ये ज्यादा। ये फोन में क्या देखते हैं? फोन में, फोन से तो न्यूज इधर उधर देख, जब समय मिलता है तब देखते हैं हम लोग। तो फोन में आप कहाँ से न्यूज देखते हैं? न्यूज अब आती है चैनल के माध्यम से। व्हाट्सएप पर देखते हैं? व्हाट्सएप पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, जो फटाफट ऐप है उस पर भी देखते हैं। तो व्हाट्सएप से क्या आपको समाचार अच्छा मिलता है? हाँ, सही क्या मिलता? अरे मिलता है, जो समाचार उसमें मिलता है वो लोग हम लोग देखते रहते हैं, क्या सही क्या गलत है। अब ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं। तो मोदी जी के सरकार का कामकाज के बारे में? कामकाज तो ठीक है, कामकाज ठीक है। आप बताओ भैया। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, ये बता सकते हैं यहाँ कौन है कैसे? हम तो यहाँ ड्यूटी करते हैं। अरे यार, कहीं के रहने वाले हो तुमको अब ये नहीं मालूम? केजरीवाल के गिरफ्तारी का मालूम है? तो पता है गिरफ्तारी का। किस मामले में हुए? तो शराब घोटाला में चल रहा है वो। तो तुमको क्या लगता है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं गलत गिरफ्तार किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं सही? ये तो हमको पता नहीं है गलत है कि सही है, हम तो यहाँ है, वो काम वो वहाँ है कि गलत है कि सही है, इसको हमको नहीं पता। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, नहीं जानते। चुनावी चंदा के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। आप जानते हैं चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के? नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग तो फोन तो आप भी एंड्राइड रखे हो? हम ऐसे फोन से बात करी थी बस, और कुछ नहीं जानी थी, फोन से केवल बात करी थी बस। तो ये बात की हर बात या हर समाचार लोगों तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब पहुंचता है नहीं पहुंचता? हाँ, पहुंचता रहेगा। कहाँ पहुंचा आपको न केजरीवाल? हमको, हम केवल फोन करी थे और कुछ हम चला नहीं पाए थे, तो हमका का पता कहाँ रहा कहाँ नहीं, हम केवल फोन से बात करी थी बस। अच्छा, ये बताओ कि मोदी जी के सरकार के काम के बारे में क्या सोचते? मोदी जी की सरकार बढ़िया, काम बढ़िया है मोदी जी का। क्या है बढ़िया? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, मोदी जी का काम सब बढ़िया है। अरे कुछ कमवा तो बताइए। काम, अनाज मिल रहा सबका फ्री, 2000 रुपया मिल रहा, किसान सब खुश है, यही बढ़िया है। अरे जो बता रहे हैं भैया वही। आपको भी मिलता है? हाँ, मिलता है, क्यों नहीं, अनाज भी मिल रहा है। अब अनाज जो है लोग मिलने वाले उनको मिलता है, मिलता है अनाज। तो ये बार यूपी में कितनी सीट बीजेपी की आएगी? अब ये हम लोग तो नहीं बता सकते हम। अच्छा, अब यहाँ साक्षी महाराज और अनु टंडन में? हाँ, दो लोग हैं। किस गेम में फाइट रही? लड़ाई बढ़िया होगी, इसका चांस ज्यादा है? चांस बाबा का ज्यादा है। साक्षी महाराज कहो बाबा? हाँ, साक्षी महाराज। काम किए कुछ? हाँ, काम किए। चलिए, अनु टंडन नेता ठीक है लेकिन एक्टिव नहीं है, जो उनको अनु टंडन नेता ठीक है लेकिन एक्टिव नहीं है, जन साधारण में तो ठीक है लेकिन आजकल एक्टिव नेता क्या हो सकता है? एक्टिव नेता जो जनता के बीच एक्शन में काम करे। कौन जनता के बीच में काम करे? अरे कर रहे हैं बाबा जी, इस समय कर रहे हैं। चलिए ठीक, माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 उन्नाव।